मेरे पीछे जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ लगा हुआ था पंडाल धीरेन्द्र शास्त्री का, जिसको लोग बागेश्वर धाम, बागेश्वर सरकार के नाम से जानते हैं। और यही उनका प्रवचन जो है, ये उनका जो राम कथा का जो प्रवचन है वो यहाँ चलता रहा। साथ ही उन्होंने 3 दिन तक यहाँ पे अलग अलग तरीके से दिव्य दरबार लगाया, या दिव्य दरबार जो होता है यहाँ पर लोगों की समस्याओं का समाधान वो करते हैं, ऐसा उनका दावा है। वो कहते हैं कि लोगों के घरों में कहाँ पर क्या रखा है, किससे किस उनका क्या संबंध है, तमाम सारी बातों की जानकारी उनको रहती, यहाँ तक कि फ़ोन नंबर भी वो बता सकते हैं, ये उनका दावा है। और इसी दावे के तहत अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो है यहाँ की, महाराष्ट्र की, उन्होंने उन पर एक चुनौती उन्हें दे दी, एक चैलेंज कर दिया कि आप अगर ये दावा करते हैं, आप में अगर सिद्धि है, वाकई आप में अगर सिद्धि है, आप अगर वाकई ये सब कुछ चमत्कार कर सकते हैं, तो हमारे 10 लोगों के सामने हमारे 10 लोग लीजिए और उनके साथ यही सारी चीज़ें करके दिखाइए। अगर आप इसमें साबित हो जाते हैं, अगर आप ये कर सकते हैं, तो हम आपको 30 लाख रुपए देंगे, और अगर आप नहीं ये कर पाएंगे तो आप हमें वापस कीजिएगा पैसा। जो भी है, मामला पैसे का नहीं था, मामला था उनकी सिद्धि का और उनके प्रवचनों का, जो अब तक के तमाम वीडियोस में उनके दावे रहे हैं, तमाम वीडियोस में पूरी जगह पे ये बात है कि वो बहुत चमत्कारी हैं, बहुत ही दिव्य शक्ति वाले हैं, बहुत ही पहुँचे हुए बाबा हैं। मध्य प्रदेश में और भी बहुत सारी जगहों पे उनके बहुत सारे भक्त हैं जो इस दावे को साबित करते हैं, कहते हैं कि वो उनमें बहुत बड़ी शक्ति है। तो अंधश्रद्धा निर्मूलन के प्रमुख जो हैं डॉक्टर श्याम मानो, उन्होंने ये दावा, उनके इस दावे के लिए उनसे कहा कि भाई आप ये साबित करके दिखाइए। और फिर साथ ही महाराष्ट्र का एक जो कानून है, अंधश्रद्धा निर्मूलन का जो कानून है, साथ ही जो केंद्र का भी एक कानून है, इस दोनों कानून के तहत उन पर FIR यहाँ पे दर्ज हुआ, लेकिन उस FIR पर सरकार ने और पुलिस ने अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उस कानून के तहत यहाँ पर इस जगह पर इस ग्राउंड में आकर जब वो चमत्कार दिखाकर चले गए, दिव्य दरबार सजाकर चले गए, उसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब तक उन्हें उस कानून के तहत गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, और इसी वजह से वो बड़े दावे के साथ यहाँ से जाने के बाद, हालांकि जैसे ही उनको चुनौती दी गई, जैसे ही उन्हें चुनौती दी गई, जैसे ही उन्हें चैलेंज किया गया, वो यहाँ से भाग खड़े हुए। कानून का डर भी बहुत बड़ा होता है, विज्ञान भगवान तमाम जो होते हैं ना, विज्ञान के से डर कर भगवान वैसे ही पैदा होना बंद हो चुके हैं, और अब विज्ञान का जब चमत्कार के से सामना होने लगा और कानून जब इसमें आया, तो कानून के डर से धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, जिनको लोग बागेश्वर सरकार के नाम से जानते, भाग खड़े हुए चले गए यहाँ से। 1-2 दिन पहले ही अपना कार्यक्रम ख़त्म करके चले गए, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने फिर से वही सारी बातें कही और साथ ही धमकी भी दे दी। एक ठठरी करके उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, वो धमकी भरा शब्द था कि अब हम इन्हें ख़त्म कर देंगे, मतलब इनको समाप्त कर देंगे, ये उस शब्द का अर्थ होता है, यानी कि मौत उस शब्द का अर्थ होता है। तो वो उन्होंने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वालों पर उनके लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि हम इनकी ठठरी निकालेंगे। मतलब ये है कि ये जो बंदा है, यहाँ से जाने के बाद, भाग जाने के बाद, वहाँ जाकर फिर से उसी पावर के साथ में, उसी आत्मविश्वास के साथ में इन लोगों से फिर से वही बातें कहता है। वजह यह है कि सरकार उसके साथ है, तमाम नेता उसके साथ है, और ये जो नेता गण महाराष्ट्र में भी अगर उसके साथ नहीं होते तो निश्चित रूप से वो आज सलाखों के पीछे होता। अब आज इस दावे की पोल खोलने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इसी मैदान के जिसे रेशम बाग मैदान के नाम से तमाम लोग जानते हैं, इसी मैदान के ठीक बगल में सुरेश भट्ट सभागृह यहाँ पर स्थित है, यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, जहाँ पर डॉक्टर श्याम मानव इसी धीरेन्द्र शास्त्री की पोल खोलने के लिए थोड़ी देर बाद अपना पूरा वक्तव्य देने वाले हैं। हम आपको उनकी तमाम बातें आप तक पहुंचाएंगे। धीरेन्द्र महाराज नागपुर से क्यों भागे, आइए दिव्य शक्ति की पोल खोल सुनिए।
धीरेन्द्र महाराज के दिव्य दरबार की पोल खोल। मित्रों, ये केवल धीरेन्द्र महाराज के दरबार की पोल खोल नहीं है, हम जैसे भक्त की मानसिकता रखने वाले आम लोगों के विचारों की, उनके मानसिकता की भी पोल खोल है। शुरुआत में ही कहूंगा मैं यहां पर, मुझे बहुत आनंद होता अगर महाराज जी के भक्त बड़ी पैमाने पर यहां आते, लेकिन उन्होंने जाहिर वीडियो के माध्यम से यह कहा है कि इस आदमी और इसकी सभी गतिविधियों पर बहिष्कार करें, तो शायद बहुत कम भक्त यहां आए होंगे। लेकिन ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है, इसलिए सब लोगों तक ये प्रोग्राम शायद पहुंच पाएगा। और मुझे सबसे ज्यादा जरूरी महसूस होता है कि धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के जो भक्त हैं, ऐसा जिन लोगों को लगता है, उनके साथ में मैं संवाद स्थापित करूं और उनको ध्यान में लगकर आज की बात मैं कह रहा हूं। मेरे साथियों ने 40-50 वीडियो जो उपलब्ध है यूट्यूब पर दिव्य दरबार के नाम से, उनको खंगाला। खंगालने के बाद में उसमें क्या क्या मिलता है वो सब देखा, और देखने के बाद में मेरा ध्यान उधर बटाया। इस वीडियोस में कई बार ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का उल्लंघन किया गया है। जादू टोना विरोधी कानून 2013 जो महाराष्ट्र सरकार का कानून है, उसका उल्लंघन किया गया है। तो इसलिए स्वाभाविक है हमने ये सभी प्रमाण प्रूफ्स इकट्ठा किए, और पहला जो मेरा काम था कमेटी का सहअध्यक्ष इस रिश्ते से, जो गवर्नमेंट की कमेटी है, शासन की कमेटी है, उसके माध्यम से उस लेटर हेड पर दक्षता अधिकारी इस कानून के तहत डिप्यूट किए जाते हैं, जादू टोना विरोधी कानून के तहत, और उन पर कुछ जिम्मेदारी सौंपी जाती है 5 कलम के अनुसार। नागपुर के प्रधान दक्षता अधिकारी क्राइम एसीपी होते हैं, उनको समन्वयक दक्षता अधिकारी कहा जाता है। तो मैंने डायरेक्टली उनके सामने कंप्लेंट रखी, क्योंकि उन पर क्या क्या जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी उन पर है कि इस कानून के तहत अगर कोई बात का उल्लंघन हो रहा है उनके ज्यूरिडिक्शन में, उनके एरिया में, तो उस पर रोक लगाए, उसे प्रतिबंधित करे, उस पर कंप्लेंट FIR दायर करे, आगे की कानूनी कार्रवाई करे, और बाकी जो भी कानून में बैठता है अरेस्ट से लेकर बाकी सब चीजें करे। ये जो कानून है बहुत कड़ा कानून है, ये कानून के तहत ये कॉग्निजिबल है, नॉन वेलेबल है। कॉग्निजिबल है इसका मतलब पुलिस को FIR दाखिल करना नहीं करना ये अधिकार नहीं है। अगर इसका उल्लंघन होता है तो कंपलसरी FIR दाखिल करना है, इसको बोलते हैं कॉग्निजिबल। नॉन वेलेबल इसका मतलब होता है कि पुलिस खुद इसका संज्ञान तो ले सकता है लेकिन जमानत नहीं दे सकता है, जमानत कोर्ट से ही मिलती है, इसलिए नॉन वेलेबल कहा जाता है। ये कानून में जो सजा का प्रावधान है, पनिशमेंट का प्रावधान है, वो 6 कारावास से लेकर 7 कारावास तक का प्रावधान है, एंड 5,000 से लेकर 50,000 रुपए दंड तक का प्रावधान और नहीं है। यानी जो भी इस कानून के तहत अपराधी कर दर्ज होगा, कोर्ट उस बात को मानेगा, उसको कम से कम 6 माह कारावास में जाना पड़ेगा। ये कानून में यहां तक की वो जो बातें हैं बारीकियां मैं बाद में आपके सामने रखने वाला हूं। तो ये कानून इतना कड़ा है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 ये भी कॉग्निजिबल ऑफेंस है, यानी पुलिस को FIR दर्ज करना ही पड़ता है। तो इसके सब प्रूफ्स मैंने ACP जी को, जो क्राइम के यानी ACP क्राइम है, दक्षता अधिकारी प्रमुख है नागपुर के, रोशन जी पंडित, इनके सामने सब रखे। केवल प्रूफ नहीं रखे तो कैसे कैसे कानून लागू होता है ये सब बारीकियां उनके सामने रखे। कानून के कौन कौन से कलम लागू होते, कहां कहां उल्लंघन हुआ है, इसके प्रूफ उनके सामने दिए, मूल वीडियो और उसका काटा हुआ हिस्सा जिसको ये भाग लागू होता है, ये हिस्से को लागू होता है, और उसका शब्दांकन कर यानी हिंदी भाषा में होने के कारण हिंदी भाषा में उनका शब्दांकन कर भी उनके पास दिया, यानी पूरा रेडीमेड बना के उनके पास मैंने दिया। समिति के लेटर हेड पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नहीं, जादू टोना विरोधी कायदा
प्रचार प्रसार अमल बजावनी समिति के लेटर हेड पर ये कंप्लेंट ली। उसके बाद में हमने 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें हमने आह्वान भी दिया। आह्वान क्यों दिया? क्योंकि महाराज इसमें जो दावे करते हैं वो असंभव दावे हैं, इसलिए उनको आह्वान दिया गया 30 लाख रुपए का। उसकी बारीकी अभी मैं आपके सामने रखूंगा। तो मित्रों, इस ढंग से ये दो चीजें हमने की। 10 तारीख को मैं खुद नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त जी से मिला, उनको कानून के बारे में उनके साथ में चर्चा की, सभी बारीकियां उनके ध्यान में ला कर दी, कैसे उल्लंघन हो रहा उसके प्रूफ्स उनके सामने रखने की कोशिश की। मुझे लगा कि कहीं तो भी ज्यूरिडिक्शन का मुद्दा उनके दिमाग में है, जबकि इस कानून के तहत जो आपराधिक चीजें है उसका प्रचार और प्रसार करना इटसेल्फ गुनाह माना गया है और स्वतंत्र गुनाह माना गया है, और उसको स्वतंत्र रीत्या इक्वल सजा का प्रावधान है। ये बात मैंने ध्यान में लाकर देने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि वो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उनको कहीं तो भी लग रहा है कि बाहर के वीडियोज है, नागपुर में तो ऐसा हुआ था। 7-8 तारीख को दिव्य दरबार लगा था, वो वीडियोज हमारे हाथ में लगे, महाराज जी ने खुद ही प्रसारित किए हैं, उसमें भी इस कानून का उल्लंघन, दोनों कानून का उल्लंघन होता है। ये प्रूफ्स मैं 10 तारीख को शाम को एसीबी क्राइम तक ले गया, रात भर, रात को 3 बजे तक उन्होंने इस विषय का अभ्यास किया, दूसरे दिन भी अभ्यास किया। उसी दिन रात को महाराज जी, जबकि उनका प्रोग्राम 13 तारीख तक प्रसिद्ध था, उसकी पत्रिका उपलब्ध है जो मैंने सभी पत्रकारों को उपलब्ध कराई है, आप में से जिनको जिनको इंटरेस्ट होगा वो हमारे प्रशांत सपाटी जैसे या फिर सुरेश धुरमुरे जैसे जिनके नंबर आपके पत्रक पर हैं उनसे संपर्क सकते हैं और आपको ये पत्रिका उपलब्ध कराई जाएगी कि जिसमें 13 तारीख तक सब बातें वो यहाँ करने वाले थे। 12 तारीख को रामकथा प्रवचन था और 13 तारीख को तो पूजा और हवन और बाकी क्या क्या सब चीजें उसके साथ में थी। ये 11 तारीख को ही निकल जाने वाले हैं नागपुर से, ये इसकी जानकारी मैंने एसीबी क्राइम को दी, खुद पुलिस आयुक्त जी को दी। दूसरे दिन जब ये जाने जा रहे थे, पत्रकारों के माध्यम से ये जानकारी मुझे मिल रही थी, वो भी जानकारी उन तक पहुंचाई, लेकिन महाराज जी 2 दिन पहले अपना काम छोड़कर चले गए, जबकि उनके आयोजन के लिए बहुत बड़ा पेंडॉल से लेकर सब चीजें आती है, बड़ा खर्च होता है, इतना सब आयोजन छोड़कर वो चले गए। इसलिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने 12 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि महाराज जी आह्वान के डर से और पुलिस कार्रवाई के डर से नागपुर छोड़कर भागे। ये हमने क्यों कहा? क्योंकि नागपुर शहर ये पोलखोल शहर। सबसे पहले मैं फिर से एक बार रिपीट करूं कि महाराज जी के राम कथा के बारे में मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसका मैं हमेशा स्वागत ही करूंगा, लेकिन राम कथा के साथ में वो जो दिव्य दरबार भराते हैं, उस दिव्य दरबार में वो क्या क्या करते हैं आपके सामने हम रखेंगे। उनका एक वीडियो है, जो लोग कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती वो आंखें खोलकर देख ले ये चमत्कार। आप केवल ये शब्द टाइप करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो लोग कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती वो आंखें खोलकर देख ले ये चमत्कार। इस वीडियो में 1 मिनट 15 सेकंड से लेकर 3 मिनट 51 सेकंड तक उन्होंने जो बातें बोली है उसका मैं सारांश आपके सामने रखूंगा। समय मैंने आपके सामने बताया है, फिर से एक बार रिपीट करूंगा, 1 मिनट 15 सेकंड से लेकर 3 मिनट 51 सेकंड तक, यानी शुरुआत में ही ये बात है इसलिए आप इजीली उसको देख पाओगे। अपने भक्त को महाराज पूछते हैं, आपने किसी को पर्ची दिया था क्या, यानी जानकारी दी थी क्या? भक्त कहता है नहीं नहीं। महाराज पूछते हैं, आपने किसी को नाम दिया था क्या? हमें नाम और उम्र सहित कैसे पता चला? यानी महाराज वहां बताते हैं, आभास निर्माण करते हैं माइक पर से लोगों के सामने कि इस भक्त का नाम और उसकी उम्र उन्होंने पहचानी है।
भक्त कहता है कि बागेश्वरी की कृपा है, बालाजी की कृपा है, इसलिए आपने पहचाना। यानी यहां पर यह दावा सिद्ध होता है कि महाराज ये आभास निर्माण करते हैं कि वो अपने आप भक्त का नाम भी पहचानते हैं और उसकी उम्र कितनी है ये भी पहचानते हैं। उसी में आगे है उन्होंने भक्त के सामने, भक्त कहता है कि माता जी की तबीयत बहुत खराब रहती है, उनकी हम बहुत दवा कर चुके हैं वगैरह वगैरह वगैरह। फिर महाराज कहते हैं कि विकास नामक बालक माँ की अर्जी लेकर आया, माँ बीमार है। अगर आप ये वीडियोस देखेंगे तो बाबा ऐसे आभास निर्माण करता है, वो पर्चियां पहले लिखता है और बाद में वो जानकारी लोगों को बताता है, तो उसकी दिव्य शक्ति के कारण या फिर दिव्य शक्ति के आधार पर ये जानकारी उनको पहले से पता चलती है। ऐसा वो आभास निर्माण करते हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। हेडिंग है, जो लोग कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती, वो आंखें खोल कर देख ले ये चमत्कार, ये तो हेडिंग है वीडियो का और ये उन्हीं के तरफ से प्रसारित हुआ वीडियो है। हालांकि बाकी कोई भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, केवल ये जो हेडिंग है, जो लोग कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती, वो आंखें खोल कर देख ले ये चमत्कार, ये हेडिंग पर ही केस लागू होती है, बाकी और किसी प्रूफ की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसके बावजूद बाबा कहते हैं माँ बीमार है, भूत बाधा की समस्या है, सन 1992 से तंत्र है उन पर। सर 1992 में उनको खाने में खिला गया था, भोजन में खिलाया गया था, अपचन होना, टूटता गला पकड़ना, जकड़न होना, कई बार सांस रोकना, बंधन करवाया, कई बार उतारा करवाया, तंत्र करवाया, अनुष्ठान करवाया, मुसलमानी पीर विद्या का प्रयोग है, रानी नाम की औरत ने इसका पूरा षड्यंत्र रचा है। और वो ये भी कहते हैं कि रानी तुम्हारे नजदीक की व्यक्ति यानी रिश्तेदार है। अब मित्रों ये व्यक्ति कहता है कि खिलाया गया, भोजन में खिलाया गया, टूटता गला पकड़ता, जकड़न होता, कई बार सांस रोकता, बंधन करवाया, कई बार उतारा करवाया, तंत्र करवाया, मुसलमानी विद्या का प्रयोग है, ये दोनों कानून के तहत अपराध। जादू टोना विरोधी कानून में अनुसूची में दूसरा हिस्सा जो है, कोई भी अगर चमत्कार का प्रयोग प्रदर्शित कर उससे पैसे प्राप्त करता है, आर्थिक प्राप्ति करता है, तो कानूनन अपराध है। और महाराज के दिव्य दरबार में जो नागपुर में लोगों को अर्जी लगानी थी, उनको 1,000 रुपए बैंक में भरने थे, उसके अकाउंट्स भी हमने पत्रकारों को दिए। हमारे एक कार्यकर्ता ने जो 1,000 रुपए भरे उसकी पर्ची हमने पुलिस के सामने सादर की है। तो जादू टोना विरोधी कानून का ये दूसरा अनुसूची में का जो है हिस्सा वो लागू होता है। ये जो मैंने आपके सामने कहा कि भूत लगाया, टोटका किया, मंत्र तंत्र किया, मुसलमानी विद्या का प्रयोग किया और रानी नाम के औरत ने किया, ये इसी कानून के तहत, जादू टोना विरोधी कानून के तहत अनुसूची 6 के अनुसार गुनाह है। भूत लगाना, मंत्र तंत्र करना, जादू टोना करना, अगर ऐसा कोई आरोप करता है तो वो भी कानूनन अपराध है। यहां तो व्यक्ति का नाम बताया जाता है कि रानी नाम के व्यक्ति ने ये किया है, तो ये कानून डायरेक्टली लागू होता है। इतना ही नहीं तो इन्होंने ये भी कहा कि इसको जकड़न होता है, कई बार सांस रोकता है, टूटता गला पकड़ता है, जकड़न होना वगैरह वगैरह, अपचन होना। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के अनुसार जिसको डॉक्टर की डिग्री प्राप्त नहीं है, स्टेट या फिर केंद्र ने जो डिग्री दी नहीं है, ऐसी डिग्री न प्राप्त होने वाले किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी भी रोग के बारे में डायग्नोसिस करता है यानी उसको पहचानता है या फिर उसके ट्रीटमेंट करता है या फिर उसको क्योर करने का दावा करता है, तो ऐसा केवल बोलना कानूनन अपराध, क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट की जो व्याख्या की गई है वो बोलना भी एडवर्टाइजमेंट है, छपके आने की आवश्यकता नहीं है। और यहां तो वीडियो उपलब्ध है, वीडियो में ऑलरेडी वो बोल रहे हैं, महाराज के मुंह से ये सब निकल रहा है, इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है। इसलिए ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट भी लागू होता है, जादू टोना विरोधी कानून भी लागू होता है और जादू टोना विरोधी कानून के अनुसूची में का 8वां कलम भी लागू होता है। ये 8वें में कहा गया है कि कोई अगर दूसरी चीजों के आधार पर आपको शारीरिक बीमारी हुई ऐसा कहता है
यानी अतीन्द्रिय शक्ति के द्वारा, जादू टोना के द्वारा या किसी द्वारा आपकी शारीरिक बीमारी हुई ऐसा कहता है तो वो भी कानूनन अपराध तय किया गया है। तो एक ही व्यक्ति को एक ही वीडियो के एक ही हिस्से के लिए दो कानून लागू होते हैं और जादू टोना विरोधी कानून के तहत के तीन तीन प्रावधान लागू होते हैं, जबकि एक प्रावधान भी एफआईआर दर्ज करने के लिए और गुनाह साबित होने के लिए काफी है। इस कानून में दूसरे कोई प्रूफ नहीं लगते, केवल वीडियो रिकॉर्डिंग इज सफिशियंट प्रूफ, क्योंकि जादू टोना विरोधी कानून के तहत केवल प्रचार करना प्रसार करना यह भी कानूनन अपराध है और यह घटना कहां घटती है इसका कोई संबंध नहीं। स्वतंत्र प्रचार प्रसार करना कानूनन अपराध है, इसलिए महाराष्ट्र के दायरे में लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, इसके आधार पर उन पर केस दायर होती है, कंपल्सरी होती है। मित्रों ऐसे कई उदाहरण है, मैं अभी कितने उदाहरण दूं, इसी में आखिरी में उन्होंने कहा है, यानी उसका समय अगर आप ये पढ़ते जाएंगे तो ये पूरा किस्सा 351 तक है, उसी में है कि महाराज कहते हैं कि भक्त के घर के अलमारी में एक कुड़िया रखी है, यानी महाराज दावा करते हैं कि उसके घर में कौन से रूम में कौन से अलमारी में क्या चीजें रखी है और पास में लाल कपड़ा रखा है ये भी कहते हैं, तो इनमें ऐसी दिव्य शक्ति है कि ये कहीं भी जाकर देख सकते हैं। तो मित्रों कहीं भी जाकर देख सकना इसको क्लेरोवाइंस कहते हैं, अपने आप लोगों का नाम जानना अपने आप लोगों की उम्र जानना ये भी दिव्य शक्ति का हिस्सा है, दिव्य शक्ति इसको कहते हैं या फिर हम अंतर ज्ञान कहते हैं। तो ये सब दावे इनके हैं, कई वीडियोस में है, मैं आपको कितने प्रूफ देते रहूं, ये सभी प्रूफ हमने पुलिस के सामने जो जमा किए वो पत्रकारों के सामने भी जमा किए हैं, पत्रकारों के पास में इसके सभी हिस्से लिखित रूप में हमने दिए हैं। तो मित्रों मैं बाकी सभी वीडियोस आपको बताते नहीं रहता हूं, केवल एक दो चीजें मैं ऐड कर दूंगा। दूसरा एक वीडियो है जिसमें वो कहते हैं, वीडियो का टाइटल है पति पत्नी के बीच में मोबाइल कितना खतरनाक हो सकता है, वीडियो का टाइटल पति पत्नी के बीच में मोबाइल कितना खतरनाक हो सकता है। इस वीडियो में 1 मिनट 6 सेकंड से लेकर 2 मिनट 35 सेकंड तक वो कहते हैं पत्नी आपकी विचित्र है, घमंडी है, आपकी भी गलती है, मोबाइल के कारण क्लेश शुरू हुआ है, तुम भी कम नहीं हो, इलू इलू करते हो। महाराज कहते हैं अपने भक्त को कि तुम भी अपने पत्नी से कम नहीं हो, तुम भी इलू इलू करते हो, यानी इसका मतलब पत्नी भी इलू इलू करती है और ये भी इलू इलू करता है दूसरों के साथ, पति पत्नी के साथ एक दूसरे के साथ में नहीं। अब ऐसा एक अगर स्त्री के बारे में कहना, जाहिर तरीके से कहना, ये माइक पर हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, और आगे चलकर वो कहते हैं गलती तुम्हारी है, मोबाइल के कारण क्लेश शुरू हुआ है, तुम भी कम नहीं हो, इलू करते हो। आगे कहते हैं ये देखो सुन लो भैया, जो पूछ सको वही पूछना, मारे भारे भाई भाई में सिग्नल है, मारे भाई भाई में सिग्नल है, उनका भाई यानी उनके हाथ में रखी हुई गदा, उनका दावा ऐसा है कि गदा के माध्यम से उनको सब पता चलता है। और आगे वो धमकी देते हैं तुमने कौन कौन से होटल में कौन कौन से कांड किए सब हमको पता है, यानी अपने इलू इलू के साथ में ये भक्त कौन कौन से होटल में जाता था क्या क्या करता था ये सभी महाराज को वो उनकी गदा बता देती है, ये यहां पर वो कहते हैं। और बाद में आखिरी में इसी वीडियो में कहते हैं जो 5 मिनट 8 सेकंड से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक है, एक भी बहुत कमरे से बोलो जोर से बोलो उनको माइक पर डिक्लेयर करने को लगाते हैं और महाराज कहते हैं आप कट जाओ नहीं तो हम तुम्हारे इलू इलू का मोबाइल नंबर भी बता देंगे, यानी महाराज को केवल भक्त को देखकर उनकी इलू इलू कौन है ये भी समझता है, ये महोदय इलू इलू को लेकर कौन कौन से होटल में गए ये भी समझता है, और इतना ही नहीं तो उनका मोबाइल नंबर क्या है इलू इलू का ये भी समझता है। कितने दिव्य दृष्टि रखने वाले हमारे महाराज, ये सब दावे वीडियोस में भरे पड़े हैं, मैं सबकी सब आपके सामने रखकर आपका और मेरा समय बर्बाद करना नहीं चाहूंगा।
आप इसको देखिए। फिर सवाल ऐसा आया कि जो यहां पर लगा नागपुर में उसमें कुछ है कि नहीं। नागपुर में जो लगा दरबार, जिसको उन्होंने कहा है दिव्य दरबार और प्रेत दरबार, ये दोनों शब्दों का उन्होंने उल्लंघन यानी शब्दों का प्रयोग किया है। ये वीडियो का हेडिंग है बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार जनवरी 2023 सुबह 9 बजे से। ये पूरा जो वीडियो है 3 घंटे का है, 2 घंटे 58 मिनट और 38 सेकंड का वीडियो है। उसमें महाराज क्या क्या दावे करते हैं, भूत बाधा की सवारी आती है, उपद्रव किया है, गंदी तांत्रिक क्रिया है, तबीयत ठीक नहीं रहती, तात्काल मृत्यु, अभी तक में 5 मृत्यु हुई है पितृदोष के कारण। और यहाँ पर एक बहुत ही विनोद है जो आपके सामने मैं रखूंगा। सबसे पहले महाराज भक्त उनके पास आने के बाद उसको पूछते हैं तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। वो धीरे से कहता है मेरे पिताजी का नाम यानी शंकरलाल, ये वीडियो में रिकॉर्डिंग है। फिर थोड़ी देर बाद 1-2 मिनट इधर उधर होने के बाद में महाराज बोलते तुम्हारे पिताजी का नाम शंकरलाल है, जोर से माइक पर चिल्ला, तुम्हारे पिताजी का नाम शंकरलाल है। आगे चलकर वो बोलते हैं माइक से बोलो आपके पिता का नाम शंकरलाल है, नहीं तो तुम्हारे सब कांड खोल देंगे। उसने खुद पूछा महाराज ने, भक्त ने बताया मेरे पिताजी का नाम शंकरलाल है। महाराज कहते हैं कि हमने पहचाना तुम्हारे पिताजी का नाम शंकरलाल है, माइक पर बोलो नहीं तो तुम्हारे सब कांड खोल देंगे। अब बेचारा सही में श्रद्धा रखने वाला भक्त कितना डरा होगा, माइक पर क्या बोलेगा बेचारा, दूसरा कुछ बोलने की हिम्मत करेगा क्या, क्योंकि उसको तो सही में लगता है कि महाराज खुद भगवान के अवतार है या फिर महाराज में दिव्य शक्तियां। अब ऐसी चीजें करने वाला ये व्यक्ति है, अभी इसके बारे में मैं आपको क्या बोलूं। तो मित्रों जो दिव्य दरबार नागपुर में भरा है उसको भी ये कानून, दोनों कानून लागू होते हैं, जादू टोना विरोधी कानून और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट दोनों लागू होते हैं। और ये कानून इतना व्यापक है कि जो इस ढंग की कृति करता है या फिर इस ढंग के प्रचार प्रसार करता है उसको जो जो साथ देता है, मोटिवेशन देता है, ऐसे कामों का आयोजन करता है, वे सभी के सभी दोषी है और उनको इक्वल सजा का प्रावधान है। इसके साथ में इस कानून में, ये कानून का हर शब्द मैंने फाइनल किया, करीबन 150 MLA के साथ में इसके लिए चर्चा की, सभी पक्षों के प्रमुखों से इस बारे में चर्चा की, शिवसेना के प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जी से 2 बार इसके बारे में चर्चा हुई, सुभाष देसाई जी से भी चक्र चर्चा हुई, नितिन जी गडकरी जब अध्यक्ष थे यानी बीजेपी के महाराष्ट्र के 2005 के दरमियान, तब उनके साथ में चर्चा हुई, उन्होंने मुझे सहयोग किया मेरे साथ में, हम कॉलेज जीवन से अच्छे मित्र रहे हैं, विवेकानंद के दोनों फैन रहे हैं। और नितिन गडकरी जी ने अशोक मोड़क नाम के, डॉक्टर अशोक मोड़क MLA थे, उनको बीजेपी के ओर से इस कानून की बारीकियां देखने के लिए डेप्यूट किया था और उनको गोपीनाथ मुंडे से लेकर सबने समर्थन दिया है। ठीक है, जो मोड़क जी कहेंगे वो हम बीजेपी को मानते। और अशोक मोड़क ने जो जो सुझाया वो सभी के सभी सुझाव इस कानून में आए। उद्धव जी ठाकरे जी ने जो जो सुझाव दिए वो सभी इस कानून में आए। 2013 में जब उद्धव जी ठाकरे जी से मैं 2.5 घंटे तक इस कानून के बारे में चर्चा करता रहा, तब मेरी अपेक्षा थी कि वो कहेंगे इस कानून को मेरा समर्थन है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल वो नहीं कहा। उन्होंने 2.5 घंटे की चर्चा के बाद में, क्योंकि उनके पास बहुत कंप्लेंट जाती थी इस कानून के खिलाफ, ये कानून धर्म विरोधी है, ऐसा है वैसा है वैसा है, इसलिए उन्होंने जो जो सुना था उस हर बारे में मुझे बारीकी से वो पूछ रहे थे, इसलिए 2.5 घंटे लग गए इस चर्चा को। उसके बाद वो बोले ये कानून बहुत अच्छा बना है, केवल मुझे नहीं बोले, बाद में टीवी पर भी बोले, इसलिए सब लोगों ने आपने सुना होगा, मेरे आजोबा के विचारों का ये कानून है, ग्रैंडफादर के विचारों का ये कानून है। ग्रैंडफादर कौन? प्रबोधनकार ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी।
और इसलिए मैं इस कानून को लाने के लिए खुद प्रयास करूंगा। जिन जिन लोगों की इस कानून के बारे में गलतफहमियां हैं, उनके गलतफहमियां दूर करने का प्रयास करूंगा। अगर मैं समझा नहीं पाया तो आपको बुलाऊंगा और एक मत से ये महाराष्ट्र में कानून पारित होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। उद्धव जी ठाकरे जी ने जो कहा बाद में, उन्होंने नाशिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीवी के सामने यही बात दोहराई। देवेंद्र जी से मेरा संबंध पहले से रहा है, उनके पिताजी गंगाधर जी फडणवीस, जब मैं जेल से छूटा नागपुर में आगे पढ़ने के लिए आया, तरुण भारत से जुड़ा, तब हमारी बहुत अच्छी मित्रता थी, साथ में हम काम करते थे। 2005 से कानून के लिए जो मैं प्रयास कर रहा हूं, तब बार बार उनसे मिला। 2013 में देवेंद्र फडणवीस जी भाजपा के बीजेपी के अध्यक्ष थे, बहुत अच्छे वकील है, कानून की बारीकियां उनको बहुत समझती है। 2005 में उन्होंने कहा था कि ये कानून के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगी, इसलिए कानून में एक भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो घटना विरोधी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगी। और इसलिए वो बात जो उन्होंने मेरे दिमाग में डाली, वो मेरे दिमाग में बहुत अच्छे ढंग से बैठ गई और मैंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पीबी सावंत इसके लिए इनकी मदद ली और हमने दोनों ने बैठकर ये कानून मराठी में फिर से लिखा। हालांकि उनको मराठी में लिखने की आदत नहीं बची थी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति रह चुके थे, लेकिन पहले तो उन्होंने मुझे कहा कि शाहू महाराज ने जो मराठी में कानून लिखे उसका अभ्यास करो और लिखो। पहले इंग्लिश में लिखते हो, फिर मराठी में ऐसे भाषांतर करते हो कि लोगों को समझ में नहीं आता और केवल वकीलों के धंधे चलते हैं। ऐसा कानून मन बताओ, मराठी में पहले लिखो, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अभी मैं कोल्हापुर के शाहू महाराज के कानून का अभ्यास करूंगा, फिर मैं लिखूंगा, इसमें बहुत समय जाएगा, समय कम है, अभी अधिवेशन है, उसमें पारित होने की आवश्यकता है। तब वे खुद बैठे 2 दिन मेरे साथ में और हमने पूरा मराठी में ड्राफ्टिंग किया। तो इसलिए उसमें ऐसी एक भी बात न रहे जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, धर्म स्वतंत्रता के खिलाफ हो, धर्म प्रचार के खिलाफ हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में 25 में आता है उसके खिलाफ हो। ये केयर लेकर ये कानून को बनाया गया है। देवेंद्र जी बात करते हुए बहुत विस्तार से इसकी चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में देवेंद्र जी को मैंने एक ही बात कही कि जब आप इस कानून के खिलाफ बोलते हो, क्योंकि ऑलरेडी बुद्ध टीवी पर नागपुर में वो बोल चुके थे, तब लोगों को बहुत अटपटा लगता है और उनको धक्का पहुंचता है कि आप जैसा पढ़ा लिखा सुलझा हुआ व्यक्ति अंधविश्वास का कैसे समर्थन करता है। एकदम से उन्होंने खिलखिल कर हंस दिए और मेरे ध्यान में आएगा कि अभी आया था कि अभी ये समर्थन देंगे। फिर उन्होंने अपने साथियों के साथ में कुछ मिनटों तक चर्चा की और जाहिर किया कि इस कानून का हम समर्थन करते हैं। आरबीआई के तीनों गुट, रामदास जी आठोले तो हमेशा मेरे साथ काम करते आए हैं, प्रकाश जी अंबेडकर जी ने भी इस कानून का समर्थन किया, हमेशा मेरे काम के साथ में जुड़े रहे, समर्थन करते रहे। जोगेंद्र जी कवाड़े तो बहुत अच्छे मित्र है, तीनों आरपीआई के गुट ने इस कानून का समर्थन किया। पहले 2005 के दरमियान मनसे के कुछ एमएलए थे, इसलिए राज ठाकरे जी से भी मुलाकात हुई थी, राज ठाकरे जी ने भी इसका समर्थन किया। तब भी उन्होंने वही वाक्य का उपयोग किया, मेरे आजूबा के यानी प्रबोधनकर ठाकरे, उनके भी आजूबा है, ग्रैंड फादर है, उनके विचारों का ये कानून। मित्रों, महाराष्ट्र में 2013 के दिसंबर में ये कानून सम्मत हुआ सभी पक्षों के, सभी पार्टियों के सहमति से, किसी एक का भी इसको विरोध नहीं। पुलिस एक्शन नहीं ले रही, क्यों नहीं ले रही आप सब जानते हो। देवेंद्र जी फडणवीस यहां के पालक मंत्री है, गृह मंत्री है, पुलिस के चीफ वे हैं, उन्होंने इस कानून को 100% समर्थन दिया था, हर बारीकी को समझ लिया था। उनके ही गृह मंत्री रहते पुलिस के पूरे 40 ट्रेनिंग्स पूरे महाराष्ट्र में हुए सब अधिकारियों के, और जिस व्यक्ति ने ये ट्रेनिंग्स लिए हैं, पुलिस को ये कानून समझाया है, उसी ने लिखित फॉर्म में शिकायत दी है कि ये कानून यहां यहां लागू होता है। मैंने यहां तक एसीपी को समझाया कि दक्षता अधिकारी पर यह जिम्मेदारी है कार्रवाई करने की,
और इस कानून में एक प्रावधान है कि जो इस कानून का उल्लंघन करने के लिए अप्रत्यक्ष सहायता करता है उस पर भी ये कानून लागू होता है और उस पर एक परिशिक्षा। अगर आप ये कानून के तहत FIR दाखिल कर कार्रवाई नहीं करोगे तो आप पर भी ये कानून के तहत जुर्म साबित हो सकता है और आपको 6 माह जेल में जाना पड़ सकता है। मैंने ACP जी को यह भी समझाया कि तब CP छूट जाएंगे, आपके शायद राजकीय आका होंगे वो भी छूट जाएंगे। अगर आप इस कानून के तहत कार्रवाई नहीं कर रहे हो तो कृपया उनके लेखी आदेश लीजिए ताकि आप कोर्ट में सादर कर सकेंगे, क्योंकि इस कानून के तहत अगर मुकदमा दायर नहीं होता है तो ये हाई कोर्ट की अवहेलना है। और फिर भी अगर नागपुर की पुलिस कानून दर्ज नहीं करेगी, कानून के तहत अपराध दर्ज नहीं करेगी, तो मेरा एक सवाल आपसे है और देवेंद्र जी फडणवीस इनसे भी है, उनके प्रति मेरे मन में बहुत ममत्व है क्योंकि उनके पिताजी के साथ में मैंने काम किया है, वो मेरे बहुत बुजुर्ग होने के बावजूद मुझे इक्वली ट्रीट करते थे, कंधे पर हाथ डालकर बात करते थे और हमने साथ में काम किया, तो मुझे हमेशा लगता है मेरे मित्र के पुत्र ही इस पद पर है। तो मैं ये सवाल आपके सामने रख रहा हूं, उन तक ये सवाल पहुंचाए अगर डायरेक्टली नहीं पहुंचता है तो, अगर आपने इतना गुनाह होने के बाद भी, दोनों कानून का डायरेक्ट उल्लंघन होने के बाद भी अगर नागपुर पुलिस ये कानून के तहत FIR दर्ज नहीं करती और महाराज को अरेस्ट नहीं होती तो लोगों तक क्या संदेश जाएगा? लोग ये नहीं मानेंगे कि पुलिस ने ये किया, आम आदमी भी मानेगा कि देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री है, पालक मंत्री है नागपुर के, तो उनके कहने के बिना तो पुलिस बर्ताव करने की नहीं। अभी उदाहरण के तौर पर मुझे 149 के नोटिस दी गए, भाई आपने लोगों की भावनाएं नहीं दुखाना है, धर्म के खिलाफ कुछ करना नहीं, वगैरह 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 होता है, मुझे नोटिस दी, पुलिस को इतना समय मिला। मेरा 40 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है, मैंने 20,000 से ऊपर इस विषय पर व्याख्यान दिए होंगे आज तक, एक भी व्याख्यान में मैंने किसी भी भावना को दुखाने का काम नहीं किया किसी की भावना को, और ना ही कभी धार्मिक चीजों का उल्लंघन किया है या अवहेलना की है या कानून को तोड़ा, एक भी केस 40 सालों में दर्ज नहीं, मेरे एक भी कार्यक्रम में कभी कोई गड़बड़ी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा। और फिर भी पुलिस मुझे नोटिस थमाती, तो हमारे पाटिल साहब ने बहुत अच्छे ढंग से कहा कि क्या करेंगे बेचारे, आका ने कहा अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अगर इस एरिया की पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने के लिए मुझे नोटिस भेज रही है तो धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के खिलाफ FIR न दर्ज होना ये भी आका की इच्छा है। दूसरा क्या मतलब निकलेगा इससे? तो देवेंद्र जी से मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं कि क्या प्रतिमा आपकी खड़ी होगी? आप कृपया इन वीडियोस को देखिए, अगर आपके मन में कोई संदेह है तो मुझे बुला लीजिए, मैं कभी भी आऊंगा और आपके सामने पूरी की पूरी चीजें रखूंगा। यह आदमी लोगों को ठगता है, जाहिर तरीके से ठगता, ओपनली ठगता, लोगों के अंधविश्वासों का फायदा उठाता है, हर बीमारी के पीछे जादू टोना है, टोटका है, किसी ने कुछ किया है, मुस्लिम विद्या ने लगाया है ऐसा कहता है, किसी घर के व्यक्ति के ही व्यक्ति ने जादू टोना किया ऐसा कहता है, घर घर में झगड़े लगाता है, स्त्रियों का जाहिर तरीके से अपमान करता है, इलूलू करती है, इलूलू करता है वगैरह वगैरह, कौन कौन से होटल में ले जाता है, बीमारियों का कारण बाहर का करनी और जादू टोना टोटका है ये कहता है। ये सभी कानूनन अपराध है, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली चीजें है, तो ये सब चीजों के साथ में आप खड़े हो, आप इसका समर्थन करने वाले हो, ये सवाल मैं खड़े कर रहा हूं। अगर आप इस सभी अंधविश्वास का समर्थन करने वाले हो
लोगों को ठगने के लिए जो बाबा काम करते हैं उनके साथ में खड़े होना चाहते हो तो जाहिर तरीके से हमें से डिक्लेयर करें ताकि हमें सबको पता चलेगा कि आप इन लोगों के साथ में खड़े रहेंगे। एक तरफ आप इस कानून के साथ में खड़े होते हो, इस कानून को पारित करवाते हो, आप खुद अभी अधिकारी हो, गृह डिपार्टमेंट के प्रमुख हो और आपके अधिकारी इस पर कोई अमल नहीं ला रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कानून में ये चीजें मैंडेटरी है, पुलिस के हाथ में नहीं है करना है नहीं करना है, मैंडेटरी है। इसके बावजूद वो कोई कदम नहीं उठा रहे हैं तो इसका मतलब लोग ये मानेंगे कि आपके कहने के अलावा ये संभव नहीं है। और आप हिंदू लोगों को, क्योंकि बाबा के भक्त कौन है, हिंदू ही है, आप हिंदू लोगों को ठगने वाले बाबा का समर्थन करने वाले व्यक्ति हो। बिन लादेन को ढूंढने के लिए अमेरिका ने 50,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया है उनकी संस्थाओं ने और उसको 7-8 साल लगे थे। हमारे महाराज को कोई भी बात अंतर्ज्ञान से पता चलती है तो अमेरिका इनको कितना पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा। अरे अमेरिका का छोड़िए, हमारे भारत के मोदी जी, पंतप्रधान जी, प्रधानमंत्री जी, अगर ये कहां का बॉम्ब होने वाले हैं, बॉम्ब फोड़ होने वाले हैं, कहां का बॉम्ब रखने वाले हैं पहले ही बता देंगे तो महाराज जी आपको कई 1,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिए तो भी हम ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, इतना बड़ा आप काम कर जाएंगे, करिए ना। अरे आपको तो ये भी पता नहीं था कि मैं नागपुर में जाने के बाद मेरा क्या होने वाले हाल, उनकी भाषा। आपको दिव्य शक्ति से पहले पता नहीं चला कि नागपुर पोल खोल शहर है और वहां आने के बाद में आपकी पोल खुल सकती है और बुरी तरह से खुल सकती है ताकि छोड़कर भागना पड़ता। आपका कहना ऐसा है कि मेरा कार्यक्रम केवल 11 तारीख तक था, आप झूठ बोल रहे हो। जाहिर तरीके से मैं कहता हूं, पोस्टर्स में 13 तारीख तक है, पत्रिका में 13 तारीख तक है, कहीं भी पहले किसी पेपर में आप 11 तारीख तक कार्यक्रम करने वाले हो ये छपकर नहीं आया। 12 तारीख का प्रोग्राम छपा हुआ है, 13 तारीख का प्रोग्राम छपा हुआ है, 13 तारीख को पूजा अर्चना और होम हवन और क्या 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 चीजें उसके साथ में थी। इसलिए हो सकता है कि आप खुद न भागे हो, आपको भगाया गया हो, काफी लोगों के इज्जत का सवाल था इसलिए भगाया गया हो, ये भी हो सकता है। और फिर क्या हुआ, समझो हम कह रहे हैं आप भाग गए हो, नहीं भाग गए हो तो बहुत अच्छी बात है ना, सिद्ध करने के लिए आइए ना। नागपुर में ही प्रोग्राम रखेंगे, पत्रकार भवन में प्रोग्राम होगा, पंचमंडल के सामने होगा, जो देवेंद्र जी फडणवीस आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए थे वही गृह मंत्री है, पालक मंत्री है, इसलिए आपको सुरक्षा का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वैसे भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आज तक हमने एक भी बाबा को एक भी चपत कभी लगने नहीं दी, ना हमने कभी किसी पर हाथ उठाया, ना कभी किसी का हाथ उठाया हुआ सहन किया, ये हमेशा याद रखो। बहुत शांति के साथ में इतने सालों से काम करते आए, आप बोल रहे दरबार में आओ, ये दरबार में आपका ऐसा ढकोसला चलता है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, शंकरलाल, बोलो तुम्हारे पिताजी का नाम शंकरलाल है कि नहीं, माइक पर बोलो, ये तो सब कांड उखाड़ दूंगा। ये तुम्हारा तरीका, ये तुम्हारा तरीका किस बात का, दिव्य शक्ति का। अरे खुद पूछ रहे हो, कम से कम ये सब आया है, रिकॉर्ड हुआ है, ये तो देखना चाहिए कम से कम। तो ये पब्लिक के सामने मैं खुद भक्त रहा हूं, अपने बाबा के बारे में जिसको हम भगवान मानते हैं उसके बारे में कोई आरोप करता है तो कितना बुरा लगता है, और उसके लिए भक्त कुछ भी गुजरने के लिए तैयार होते हैं, ये मैं बहुत अच्छे ढंग से उनकी मानसिकता जानता हूं, इसीलिए इतने सालों में मारना खाते काम करते आए, उस मानसिकता को पहचानता हूं, उसका आदर करता हूं, उसका सम्मान करता हूं और उन्हीं के लिए काम करता हूं। वहां अगर उस वातावरण में क्या आपको मैं फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशन के अंदर जा सकता हूं, रहे सवाल आपके तरीके जानने के, किस ढंग से आप जानकारी प्राप्त करते हो, इसके मैं केवल 2-3 उदाहरण आपको दूंगा। प्रोफेसर शर्मा नाम के एक बहुत बड़े ज्योतिषी यवतमाल में आए,
जो भी व्यक्ति उनको भविष्य पूछने के लिए जाता था वो उसका 100% सही भविष्य बताते थे। मैं और मेरे मित्र प्राध्यापक नमा दोषी, हम दोनों ने तरुण भारत एकेडमी ज्वाइन किया था। मैं यहाँ कॉलम चला रहा था और प्राध्यापक नमा दोषी यवतमाल में जिला प्रमुख थे, उन्होंने इसके बारे में एक बड़ा आर्टिकल छपाया। महाराज का बहुत बिजनेस बढ़ गया। मैंने जस्ट इस काम की शुरुआत की थी, मैंने कहा कि ये क्या कर दिया तूने, चल बोले तेरा भविष्य बताता, तेरे सामने हाथ का हाथ कांगने को आरसा किया, हाथ कंगन को आरसा किया। मैंने बोला देख यार, बात मैं करूंगा, तू नहीं बोलने का। बोले ठीक है। महाराज बोले पहले अपॉइंटमेंट लो। नमा दोषी ने प्रेशर लाया, अब इतना बड़ा पत्रकार तरुण भारत में, इतनी प्रसिद्धि दी है, इतना धंधा चल निकला है, और मैं अपना ऐसे ही, तब मैं पैजामा पहनता था और ऊपर मैं सफेद शर्ट रहता था, और वो खादी का होने के कारण कभी कड़क वड़क नहीं रहता था, ढीला ढाला रहता था। तो उनको ऐसा लगा कि मैं ऐसा ही गांवंडल व्यक्ति होगा, गांव वाला होगा, तो वो तैयार भविष्य बताने के। मैंने पहला सवाल पूछा कि मेरा बीए का अंग्रेजी का पेपर अभी तक नहीं छूट रहा है, कब छूटेगा? महाराज ने कुछ तो भी बता दिया, ये करो वो करो हो जाएगा। दूसरा सवाल पूछा, मेरी शादी नहीं हो रही है, कब होगी? और उसके बीच का सवाल पूछा था, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, कब मिलेगी? अब ये तीन सवाल मैंने उनसे पूछे। पहले सवाल का जवाब तो उन्होंने दिया कि कभी तो भी तुम्हारा पेपर छूटेगा, लेकिन बहुत मेहनत लेनी पड़ेगी और छूटेगा इसकी गारंटी नहीं है, फिर भी कोशिश करो। दूसरे सवाल का जवाब दिया कि तुमको नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, देहात में जो काम मिलेगा वो करो। और तीसरा उन्होंने कहा, मेरी शादी कब होगी? तो वो बोले, शादी की गुंजाइश तो अभी नहीं है, लेकिन 5-10 साल तो शादी होने की गुंजाइश नहीं है। अभी जो कमाई नहीं करता है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो उसका क्या होगा? अब प्रोफेसर नमा दोषी जो एमए को पढ़ाते थे वो चिढ़ गए, क्योंकि उनको मालूम था कि ग्रेजुएशन तो मैंने इंग्लिश पढ़ाया है, अब जो लड़का बीए पास नहीं हुआ वो ग्रेजुएशन को इंग्लिश पढ़ा चुका है। नौकरी में मैं तब किर्लोस्कर प्रेस की नौकरी में था। रहा सवाल शादी का, शादी उसकी और मेरी, नमा दोषी की और मेरी साथ में हो चुकी थी, मुझे बच्चा भी था। फिर हमने उसको पकड़ा, उसके लड़कों को पकड़ा, वो लड़कों को पैसे देता था, और जब भी कोई अपॉइंटमेंट लेता था तो उसका एड्रेस लिखवाता था, उसका नाम लिखवाता था, और ये लड़के आसपास के घर में जाते थे और पूछते थे, ये जो है ना देशपांडे साहब? हाँ जी, देशपांडे साहब रहते हैं। नहीं, हमारी एक बेटी है, उसके लिए हम लड़का ढूंढ रहे हैं, तो हमने सुना है देशपांडे साहब के यहाँ लड़का है, अच्छा एक पढ़ा लिखा। अरे क्या बात कर रहे हो, उनके लड़के की उम्र तो 12 साल की है, अभी क्या शादी करेगा वो? नहीं ना, शायद लड़की होगी। अरे लड़की की उम्र अभी 15 साल की हो तो कॉलेज में अभी तक जाने की है, ऐसे कर करके, क्योंकि हमारे आसपास के लोग बड़े उत्साही होते हैं और शादी के मामले में तो इतने उत्साही होते हैं कि उनके घर के लोगों को जितनी जानकारी नहीं होती उतनी जानकारी देने के लिए उतावले होते हैं। तो ये सब जानकारी उनको प्राप्त हो जाती थी और वो कहते थे, उन लोगों को हमने पकड़ा, लड़कों ने माफी मांगी, उन पर पुलिस केस दायर नहीं की क्योंकि देहात के लड़के थे, लेकिन महाराज को भगा दिया। दूसरा उदाहरण आपको मैं देता हूं, एक बहुत बड़ा उदाहरण है, वो है नैनोत के बाबा का। इंदौर में गया था राहुल जी बार बोते, नई दुनिया के संपादक, उन्होंने इंदौर के परिसर में एक प्रोग्राम आयोजित किए थे। सबने मुझे छेड़ा कि नैनोत के बाबा है, बड़े चमत्कारी बाबा है, और ये बाबा क्या सामर्थ्य ऐसा है वैसा है वैसा है, आप उनको एक्सपोज क्यों नहीं करते? एक 50 लड़के लड़कियों की टीम लेकर मैं वहां गया। जाते वक्त मेरे ध्यान में आया कि ये सब जो रिक्शा वाले लोग हैं ये मुझे जानकारी पूछ रहे हैं, तो मैंने उनको झूठी जानकारी दी, पेपर में जो छपकी आई थी उसके अलावा झूठी जानकारी दी। उदाहरण के तौर पर मैंने जानकारी दी कि मैं नागपुर विद्यापीठ का इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब क्योंकि इंग्लिश का प्रोफेसर ये छप के आ चुका था, इस ढंग की झूठी जानकारी दी, जैसे मैंने पहले इस केस में दी थी उसी ढंग की झूठी जानकारी दी। मेरा नंबर पुरुषों की लाइन में लगा, शायद 60वां 70वां नंबर होगा। मुझे लगा बाप रे, 3-4 घंटे लाइन में लगना पड़ने वाला है। थोड़ी देर में बाबा लाउड स्पीकर पर चिल्लाए, वो नागपुर से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश जो आए है वो सामने आए, और जो जानकारी मैंने रिक्शे वाले को दी थी वो सभी जानकारी उन्होंने वहां दोहराई, मेरे सामने चमत्कार कर कर शंकर भगवान की मूर्ति निकाली, मुझे दी और मुझे बाजू में खड़े रहने का
मैंने उनसे पूछा मैं खड़ा रह सकता हूँ यहाँ पर, वहाँ खड़ा रहा और उनके आगे के कार्यकलाप देखता रहा। बाद में उनको कैसे एक्सपोज किया, क्या किया, ये सब बातें आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो, विस्तार से आप वहाँ सुन सकते हो। मित्रों ऐसे कई बाबा है, लहरी बाबा वर्धा में आया था, वो सब जानकारी बताता है, उसकी ख्याति थी। हमने एक गूंगा लड़का तैयार किया भास्कर इथापे नाम का, वहाँ गए, उन्होंने सब हमारी झूठी जानकारी जो उनके भक्तों को दी थी, उनके साथियों को दी थी, वो दोहराई, वो सब मैं रिकॉर्ड कर रहा था। पुलिस अधिकारी वहाँ के लोहारे नाम के डीएसपी थे, ये कह रहे थे एसपी थे, वो कह रहे थे महाराज लहरी महाराज के अभी भी यहाँ के एसपी मेरे चरणों पर माथा टेक कर गए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर हमारे भास्कर इथापे का पेशेंस छूट गया, और जब ये कह रहा है अरे गुंगे आकर आकर आकर, वो पौन घंटा अपना नाटक करता रहा, उसका पेशेंस छूट गया और उसने जो गाली देना शुरू किया तो हमारा सब भांडा फूट गया। मैं सीधा टेप रिकॉर्डर लेकर लोहार साहब के पास गया जो एसपी थे, उन्होंने मुझे बिठाया, खाना चाय नाश्ता पिलाया, खाना खिलाया, तब तक ये बाबा को बिठा के वर्धा डिस्ट्रिक्ट के बाहर छोड़कर आ गए। उस जमाने में कानून नहीं थे, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो ऐसे कई बाबा है जो झूठी जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं हमको बहुत अच्छे ढंग से मालूम है, सच्ची जानकारी प्राप्त करने का उनका दरिया क्या होता है ये पता है। इसलिए हमने बाबा के दरबार में जाकर ये चीजें एक्सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाली पूरी सिस्टम वहां होती है जो उन तक जानकारी पहुंचाते हैं, कोई दिव्य दृष्टि वगैरह नहीं होती है। तो वो नागपुर आए, नागपुर में सब लोगों के सामने ये सिद्ध करे, पत्रकारों के सामने सिद्ध करे। अगर दो बार 90% वो करेक्ट बताते हैं, पैसों के लिए मत आए, केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आए, तो हम अगर वो 90% करेक्टली बताते हैं तो मैं उनके सामने उनके चरणों पर माथा टेकूंगा, माफी मांगूंगा। और जो मेरे संगठन ने आज तक हजारों बाबाओं को, मांत्रिकों को, देवी देव शरीर में आने वाले लोगों को और ज्योतिषियों को एक्सपोज किया है, वो संगठन बंद कर दूंगा, ये जाहिर तरीके से लिखित फॉर्म में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 तारीख को बात कही है। उन्होंने कहा तुम्हारा बाप मर गया था क्या, 7 दिन तक क्या चला, भाई रहा देख रहा था तुम्हारा दरबार पूरा हो, क्योंकि मेरे कानून की वो आवश्यकता थी। ये दिव्य दरबार का कंटिन्यूएशन नागपुर में हो, ये मेरे कानून की आवश्यकता थी, इसलिए मैं रहा देख रहा था कि आपका दरबार पूरा हो जाए और उसके बाद में पुलिस को एक्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब वो बात अलग बात है कि पुलिस आकाओं के सामने कुछ कर नहीं पा रही है या फिर खुद ही कुछ कर रही है, ज्यादा उड़ रही है, ये मुझे पता नहीं है, ये धीरे से पता चलेगा नागपुर वाले लोगों को कि किसके पीछे कौन है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा बाप मर गया था क्या, फैक्ट है मेरे जीवन में जब मैं अपने काम में जुड़ा था, गांव-गांव व्याख्यान दे रहा था, तब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, लेकिन उनके मृत्यु होने के बाद उनको देखने के लिए मैं काम छोड़कर नहीं गया। मेरा काम पूरा करने के बाद में जब मेरा काम में मुझे छुट्टी मिली तभी मैं गया। तो ठीक है, आपकी जो भाषा है उसके जरिए आप उसका उल्लेख कीजिए, बोलिए महाराज कहते मैं अंधविश्वास दूर करने का काम करता हूँ। अरे वाह, कितना अच्छा काम करते हो, हर व्यक्ति को कहते हो तुमको जादू टोना हुआ, टोटका हुआ, भूत लगा, ये आपका अंधविश्वास दूर करना है। महाराज कहते हैं मैं चमत्कार का दावा नहीं करता हूं, वो तो सब आपके सामने रखा है। महाराज जी राम कथा, राम का नाम एक बात के लिए माना जाता है, प्राण जाए पर वचन न जाए, और आप तो बात बात पर झूठ बोलते हो, कैसे सनातनी हिंदू हो, सही में हो कि केवल सनातन हिंदू धर्म का नाम लेकर लोगों को ठगने का व्यवसाय कर रहे हो। अगर ये आपकी ठगी नहीं है तो नागपुर में आइए, दिव्य शक्ति सिद्ध कीजिए, हमेशा के लिए हमारा मुंह बंद कीजिए और भारत का नाम पूरे दुनिया में रोशन कीजिए। इतना ही आह्वान यहां पर मैं करूंगा।
तो आपने देखा किस तरह से श्याम मानव जी ने पूरी तरह से एक एक बात सामने रख दी और उन्होंने ये खुलासा कर दिया, पोल खोल दी एक तरह से कि किस तरह से बागेश्वर महाराज, जो बागेश्वर धाम का जो बागेश्वर सरकार है, वो किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और ये ढोंगी बाबा किस तरह से लोगों से पैसे ऐंठ रहा है। और ये जो कानून है महाराष्ट्र का कानून, जो जादू टोना निवारण कानून है, सिर्फ वही नहीं, जिस किस तरह से वो केंद्र के कानून का भी उल्लंघन करता है और उसके बावजूद हिंदुत्व की रक्षा करने वाली, यानी कि हिंदुत्व के नाम पे वोट बटोरने वाली जो दोनों सरकारें हैं, किस तरह से इस बागेश्वर महाराज, जिस ढोंगी बाबा का किस तरह से वो सहायता कर रही है, ये भी उन्होंने बताया कि किस तरह से वो सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी हैं, उन पर ये आरोप लगाया कि किस तरह से उन्होंने उसको भागने में मदद की और उसे भगा दिया गया ताकि वो कानून के शिकंजे से बच जाए। फिर भी कानून ये कहता है, कानून में जो उसमें सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से अभी भी बागेश्वर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, फिर भी ये सरकारें उसे गिरफ्तार नहीं करने का पुलिस पर दबाव बना रही है, साफ साफ उन्होंने कह दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि इन्हीं की शह पर इस प्रकार के जो अंधविश्वासी ढोंगी बाबा लोगों को ठगते रहते हैं, अगर ये राजाश्रय न हो, अगर ये इस तरह से सरकारी या फिर राजनीतिक शह अगर उन्हें ना मिले, तब तक इस प्रकार की चीज़ें नहीं हो सकती। उन्होंने साफ साफ बताया कि जो कानून है इसमें कहीं पर भी ये किसी से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो उसे गिरफ्तार करे या नहीं, क्योंकि कानून अपने आप में साफ साफ इस बात की अनुमति पुलिस को देता है और बाउंडेड भी करता है कि वो उसे गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने कई पॉइंट्स बताए कि किस किस पॉइंट से वो उस कानून के शिकंजे में फंसता है और पूरी तरह से ये साबित भी होता है, साबित होने के बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है पुलिस, तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक शह पर ये संभव हो रहा है। और एक तरह से ये भी बता दिया कि किस तरह केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार भी कानून का उल्लंघन कर रही है। एक तरफ कानून कहता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर सरकार इसी शह पर, राजनीतिक शह की वजह से आज भी ये अंधश्रद्धा निवारण समिति को भी, और जो कि राज्य सरकार की ही नामित समिति है जो कि इस कानून की देखभाल के लिए बनाई गई है, इस समिति पर ही चैलेंज करता है, उसे धमकी दे रहा है, एक तरह से जान से मारने की धमकी दे रहा है और मखौल उड़ा रहा है। ये सिर्फ तभी संभव है जब राजनीतिक संरक्षण उसे मिला हुआ हो। अब आपको तय करना है कि इस तरह के राजनीतिक संरक्षण जो कि इस प्रकार के ढोंगी बाबाओं को दिया जा रहा है, इस पर आपको फैसला करना है कि ये जनता को आखिर क्या करना चाहिए, इस तरह से लोग कब तक बेवकूफ़ बनते रहेंगे।